वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग देखेंगे क्लास एट का मैथ जो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, उसका पार्ट चार है। अभी तक आपने पार्ट थर्ड, पार्ट टू, पार्ट वन अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर आप प्ले लिस्ट से जाके आप देखें, ताकि ये जो आगे है ये आपको अच्छा से समझ में आए। और खास करके स्पेशल ये जैक बोर्ड के लिए है, जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, उसी का बुक यहाँ पे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, क्या है कि क्वेश्चन है कि जीतन के गुल्लक में 1, 2 और 5 के सिक्के, उनकी संख्या क्रमशः अनुपात में दिया हुआ 5:3:2 के है। यदि गुल्लक में कुल जो रुपया है 840 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। चलिए यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना एक रुपया वाले सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए अनुपात में दिया हुआ है ना, तो ये कितना ए 5:5 है, इसलिए इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 5x। इसी तरह से 2 रुपया वाले सिक्के को हम लोग मानेंगे, उसका अनुपात क्या है 3x, ठीक है। इसी तरह से 5 रुपया वाले का हम लोग मानेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है इसका 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, ये संख्या है हम लोग, ये क्या संख्या निकल गया। अब संख्या जब निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो रुपया में दिया हुआ है यहाँ पे टोटल 840 रुपये, इसको हम लोग रुपया में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 1 रुपये वाले सिक्के बराबर कितना हो जाएगा, 5 है और कितना है, गुना कर दीजिए 5×1 5x। इसी तरह से हम लोग 2 रुपये वाला में भी लिखेंगे, और कितना है यहाँ पे 2×3 2×3 यहाँ पे, सॉरी 3x होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2×3 6x। इसी तरह से आप लिखेंगे 5 5 रुपये वाला सिक्का, इसी तरह से हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना है 5 का कितना मान है 2 2x×, यहाँ पे कितना है 5 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 10। अब देखिए ये जो निकला आपका, ये रुपया निकल गया आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गुल्लक में कुल रुपया, गुल्लक में कुल रुपया कितना है 840 है। अब कुल कैसे निकलेगा, ये सभी रुपया को जोड़ देंगे तबे निकलेगा। तो चलिए हम लोग कुल रुपया में जोड़ेंगे 5x+6x+10x बराबर 840 है, 840 लिखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जोड़ दीजिए सभी को, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6×5 11 10 21 21x बराबर 840 निकल गया। देखिए 21 इधर क्या है, गुना में है, x के साथ गुना में है, उधर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा x बराबर 840/21। जब भागा देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 21 21 21 84, ठीक है। तो निकल गया मेरा x बराबर 84, ये मेरा x का मान निकल गया, ठीक। अब हम लोग को संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकल गया, अब इसमें हम लोग बैठा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है 5x है। 5x है तो क्या करेंगे, 5×x बराबर कितना निकला, सॉरी x बराबर 40 निकला है, मिस्टेक हो गया लिखने में, क्योंकि ये 4 बार में कटा था, यहाँ पे 40 है ना, x बराबर 40 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 5×40 कितना हो गया, यहाँ पे 200, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे हम लोग 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, कितना माने यहाँ पे, यहाँ पे है 3x, तो 3x बराबर
तीन गुना चालीस, चार तिया बारह, 120। इसी तरह से हम लोग मानेंगे दो का हो गया पांच वाला रुपये, पांच रुपया वाला हम लोग देखेंगे हैं, देखेंगे। चलिए पांच रुपये वाला कितना है यहाँ पे, पांच का है यहाँ पे आपका दो एक्स, तो दो गुने चालीस, चार दुनी आठ, अस्सी। ठीक है, अब निकल गया यहाँ पे, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये 200, 120 और 80 जो निकला ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग ले आए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, एक आयताकार जो है उसके मतलब कि कह रहा है कमरा है, आयताकार का कमरा है। ठीक है, उसकी लंबाई है जो उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब कि ये मेरा मान लीजिए कमरा है। ठीक है, ये आयत पर आयत टाइप का कह रहा है कि इसका जो परिमाप जो दिया हुआ है ना, परिमाप, ये परिमाप जो है दिया हुआ ये है 48 मीटर है। ठीक है, 48 मीटर है। तो अब यहाँ पे इसका जो लंबाई है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से दो गुनी है। अगर ये एक है तो ये एक गुने दो है, मतलब कि दो गुनी है। ठीक है, दो गुनी है। तो कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, वो निकालना हम लोग को। चलिए हम लोग सर हल करते हैं। हल में लिखेंगे कि माना आयताकार कमरे की चौड़ाई बराबर एक्स मान लिए, इसी तरह से लंबाई होगा, लंबाई बराबर दो गुनी कह रहा है कि उसकी चौड़ाई की दो गुनी है, तो दो गुने इसमें एक्स गुना कर देंगे, ये निकल गया। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ परिमाप, इसका परिमाप दिया हुआ परिमाप कितना है, 48 मीटर है। ठीक, 48 मीटर है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि आयत का परिमाप, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से आयत आयताकार कमरे की परिमाप कितना दिया हुआ है आपका 48। तो क्या है यहां पे परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 48। दो, लंबाई कितना है आपका 2x और चौड़ाई x है, इसलिए 48। यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 2, इसको जोड़ेंगे तीन होगा ना, 2x और 1x, 3x और 2, 3 × 2 = 6x बराबर 48। ठीक है, अब क्या करें कि 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 48/6। अब क्या हो जाएगा, देखिए काट जाएगा कितना बार में, 8×6 = 48। एक्स बराबर आपका 8 निकल गया, एक्स बराबर 8 निकल गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आयताकार कमरे की चौड़ाई क्या माने हम लोग, कमरे की चौड़ाई बराबर एक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मीटर निकल गया। इसी तरह से लंबाई होगा, कितना है लंबाई, कितना माने 2x, क्या हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16 मीटर, ये आंसर निकल गया, 8 और 16 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक आयत की परिमाप, एक आयत फिर इसमें भी आयत है। ठीक है, एक आयत की परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है इसका 13 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई भी दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ, ये चौड़ाई इसका ब्रेथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि 5/2 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर एक्स। ठीक है, अब क्या है कि चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर, और परिमाप भी दिया हुआ है, कितना परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो चलिए प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न से, आयत का परिमाप बराबर 13 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना माने है एक्स, चौड़ चौड़ाई कितना है 5/2, 5/2 माने हैं बराबर 13। सॉरी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको जब अंदर करेंगे 2x अंदर कर दीजिए, 2x प्लस 2 गुने 5/2, ये 2 कट जाएगा बराबर 13। यहाँ पे 2x बराबर ये 5 है, इधर 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, 13 माइनस 5। अब घटाइए कितना चल गया, टू एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 बचा यहाँ पे ठीक है, 13 में 5 गया तो 8 ही बचेगा ना। अब देखिए 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 8/2, कितना बार में कट गया 4, x बराबर आपका 4 निकल गया ठीक है। अब लंबाई हम लोग माने हैं आयत की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयत की लंबाई बराबर क्या माने, x माने है ना, आयत की लंबाई बराबर x माने, तो x बराबर कितना निकल गया आपका 4, तो 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बताएंगे, कमेंट करके बताइए, जहाँ पे आपको डॉट लगे, जहाँ पे आपको समझ में ना आए कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, उनको हम समझाने का भरपूर कोशिश करेंगे, उनको हम अलग से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे, या फिर हम एक व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, उस नंबर पर मतलब कि आप हमसे संपर्क करके आपको हम एक एक करके समझाएंगे ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट इसी चैप्टर का अगला जो 8.2 है उसको लेकर आएंगे हम लोग। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं।